Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful dress designing, so please keep watching this video till the end. So basically guys, these kind of stonework dresses are most trending nowadays. मुझे Instagram and YouTube पर इस तरीके के stonework dresses की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी. So guys, यहाँ हमने ओनली सूट पर ही इस वर्क की डिज़ाइनिंग की है. So basically guys, ये वर्क जितना ज़्यादा ट्रेंड में है, इस वर्क की ड्रेसेस उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये ड्रेसेस ऑनलाइन मिल रही हैं. बट गाइज, आप घर पर ही बहुत ही कम बजट में इस ड्रेस को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस सूट को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. तो यहाँ हमने ये स्टोनवर्क सूट पर किया है. आपने अगर हैवी ड्रेस डिज़ाइन करनी है तो आप ये वर्क साड़ी, लहंगा या फिर किसी लॉन्ग ड्रेस पर भी कर सकते हैं. जितना ज़्यादा आप हैवी वर्क करेंगे आपकी ड्रेस उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी. एंड गाइज, यहाँ जो हमने स्टोन्स यूज़ किए हैं इनमें बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनिंग होती है. बेसिकली ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है जो रियल लाइफ में इसकी शाइनिंग थी. रात में ये इनका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है. सो गाइज, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ विदाउट डूइंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first of all guys, let's see the fabric for this beautiful dress designing. Guys, here I am using 3.5 meter dust satin fabric in a good quality. यहाँ हम इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए 3.5 meter dust satin fabric यूज़ करेंगे. एंड इस फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 44 इंचज है. साथ में ही गाइस, दुपट्टे के लिए यहाँ हम 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक यूज़ करेंगे. सो बेसिकली गाइस, आई रियली लव टू वेयर लॉन्ग दुपट्टास. मुझे लॉन्ग दुपट्टे पहने बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर हमने दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है. आप चाहो तो 2.025 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं. साथ में ही गाइस, यहाँ हमने इसमें लाइनिंग यूज़ करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने अबाउट 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक ले लिया है. आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक भी ले सकते हो, लाइक शार्टन, करेब, एनी अदर फैब्रिक, वट एवर यू वॉन्ट. सो गाइस, सबसे पहले हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोर फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ फोर फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो फर्स्टली हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे. हमने यहाँ फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो 46 इंचेस ली है. सो गाइस, कटिंग होने से पहले जो फैब्रिक की लेंथ है 46 इंचेस है. एंड इसकी भी फोर फोल्ड होने के बाद 11 इंचेस है. सो सबसे पहले हमने इसकी कुर्ती की मार्किंग करनी है, जिसके लिए 7 इंचेस का शोल्डर मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस पर ही मार्क करेंगे. बेसिकली गाइस, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो बस्ट के लिए यहाँ पर हम 9 इंचेस पर मार्क करेंगे, प्लस 1 इंचेस लूजिंग. टोटल हमने 10 इंचेस की बस्ट मार्किंग करनी है. सो सबसे पहले हमने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है. देन अंदर की तरफ हाफ इंचेस डीप लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे. ऊपर की तरफ से हमने हाफ इंचेस शोल्डर डीप मार्क कर लेना है. उसके बाद गाइस, हमने हिप्स या फिर स्लिट्स की लेंथ मार्क करनी है. ऊपर की तरफ से यहाँ पर 13 इंचेस पर हमने इसकी लेंथ मार्क कर ली है. देन इसका मिड पॉइंट फॉर वेस्ट, यहाँ पर हमने इसका 6.5 इसका वेस्ट मार्क कर लेना है. सो गाइस, वेस्ट की फिटिंग के लिए हमने 8 इंचेस पर मार्क करना है, प्लस 1 इंचेस लूजिंग. टोटल हमने 9 इंचेस की मार्किंग करनी है. एंड गाइस, यहाँ पर स्लिट्स के लिए हमने 11 इंचेस की मार्किंग कर दी है. अब हमने यहाँ पर शेप मार्क कर लेनी है फिटिंग की. सो गाइस, यहाँ हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है. अब हमने सबसे पहले बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी है. सो यहाँ हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल कट कर रहे हैं. फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हमने बाद में करनी है. कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने इसे नीचे स्लिट से भी कट कर लेना है. सो गाइस, सबसे पहले अब हम नेक के लिए विड्थ मार्क करेंगे. नेक के लिए यहाँ पर हम 3 इंचेस की नेक विड्थ मार्क करेंगे. नेक डीप के लिए हमने 3.5 इंचेस की नेक डीप मार्क की है. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम मार्क कर सकते हैं. बॉक्स बनाते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर देंगे. आफ्टर दैट गाइस, नेक लेंथ के लिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 5 इंचेस की नेक लेंथ मार्क की है. सो फर्स्टली हमने बैक पार्ट की जो नेक मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे. अब हम बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को अगेन से 2 फोल्डेड कर लेंगे. सो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के लिए नेक की मार्किंग कर लेंगे. यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की नेक भी यहाँ पर 4.5 इंचेस ली थी. एंड गाइस, फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने आर्म होल डीप मार्क किया था हाफ इंचेस, उसको भी हमने यहाँ पर कट कर लेना है.
सो गाइज यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है, यू कैन सी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक दो पार्ट्स मिल गए हैं। सो गाइज अब हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है जो कि हमारा कॉटन फैब्रिक है, जिसके यहाँ पर हमने दो पार्ट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर एक एक पार्ट्स को एक साइड कर लेना है। बैक के लिए हमने दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को एक साइड कर लेना है। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लेना है, दोनों की राइट साइड मैच होते हुए। देन हमने सिंपली इसको वन टाइम स्टिच कर लेना है राउंड से। सो गाइज इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं हमने अबाउट हाफ इंचिस का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिचिंग करनी है बहुत केयरफुली। हमने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को लूज़ ही स्टिच करना है, इसको बिल्कुल फ्री हैंड से स्टिच करना है, इसको खींचना नहीं है। सो गाइज यहाँ हमारे मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को हमने नेक से वन टाइम स्टिच कर दिया है। अब गाइज हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइज हमने इसमें नेक राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि नेक ईजीली हमारा राइट साइड में टर्न हो सके। सो गाइज यहाँ हमने कट्स लगा लिए हैं। अब गाइज हमने इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। सो गाइज टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब गाइज हमने नेक को वन मोर टाइम स्टिच कर लेना है ऊपर की तरफ से, इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा लेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हल्की सी साइड में ही स्टिचिंग लगानी है। सो यहाँ हमारा नेक कम्प्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको बैक नेक की भी स्टिचिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमारा नेक कम्प्लीट हो गया है। अब गाइज हमने जो लाइनिंग फैब्रिक नीचे की तरफ अटैच किया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, जो हमारे मेन फैब्रिक की ऑलरेडी कटिंग हो रखी है उसी के अकॉर्डिंगली ही हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग यूज़ की है, आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने जैसे फ्रंट पार्ट रेडी किया है वैसे ही हमने सेम बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका नेक भी कम्प्लीट हो गया है। तो गाइज अब हमने ग्लू की हेल्प से पूरी कुर्ती पर स्टोन वर्क करना था, जहां हमारा थोड़ा सा माइंड स्विच हो गया था। एंड गाइज यहां पर हमने नेट फैब्रिक ले ली स्टोन वर्क करने के लिए, बिकॉज क्या होता है जो हमने कुर्ती ऑलरेडी रेडी करके रखी है वो हमारा डस्ट सार्टन फैब्रिक है। एंड डस्ट सार्टन फैब्रिक पर हम अगर ग्लू की हेल्प से स्टोन वर्क करते हैं, थोड़ी सी भी ग्लू ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाती है तो उसकी मार्किंग रह जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। एंड गाइज इस ड्रेस में हमने बहुत ज़्यादा स्टोन्स का वर्क करना है, सो दैट इज़ वाई गाइज यहाँ पर हमारा माइंड थोड़ा सा स्विच हो गया था। हमने एक 1.5 मीटर नेट फैब्रिक ले लिया था, जिससे हमने सेम मेजरमेंट की कुर्ती कट कर ली थी। जिस तरीके से हमने अपनी बेस कुर्ती रेडी की है वैसे ही सेम हमने इसको भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है, जो मार्किंग हमने ऑलरेडी अपने मेन फैब्रिक जो लाइनिंग फैब्रिक था उस पर की थी, वही सेम मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे एंड इसको कट कर लेंगे। सो गाइज फ्रंट बैक एंड स्लीव्स हम दोनों तीनों ही हम नेट फैब्रिक से ही बनाएंगे, क्योंकि हमने स्टोन वर्क करना है। सो गाइज अब हमने इस कुर्ती कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसकी नेक की फिनिशिंग लेने करने के लिए यहाँ पर हमने एक नेट स्ट्रिप ले ली है, जिसकी विद अबाउट 1.5 इंचेस है। नेट स्ट्रिप को हमने टू फोल्ड करते हुए नेक पर रख लेना है एंड वन टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो हमने स्ट्रिप को टू फोल्डेड करते हुए रख लिया है। एंड गाइज की क्लोज वाली साइड बाहर की ओर है एंड ओपन साइड आप देख सकते हो ओपन वाली साइड से हमने अबाउट हाफ हाफ इंचेस की स्टिचिंग लगाते हुए नेक को वन टाइम स्टिच कर लेना है। एंड गाइज स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद अब हम इसको टर्न कर लेंगे अंदर की तरफ। सो गाइज इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेना है एंड टर्न करने के बाद इसको अगेन हम स्टिच कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर हमारा माइंड थोड़ा सा स्विच हो गया था मेन फैब्रिक से हमारा नेट फैब्रिक की ओर। सो गाइज अगर आप इस तरीके की कुर्ती डिज़ाइन कर रहे हैं, इट विल बी मोर बेटर अगर आप लाइनिंग फैब्रिक एंड गाइज नेट फैब्रिक दोनों ही फैब्रिक्स की नेक एक साथ स्टिचिंग कर लें। आई मीन दोनों पार्ट जो हमारा मेन फैब्रिक एंड ये नेट फैब्रिक है, दोनों पार्ट्स को हम एक साथ स्टिच करते हुए नेक से जॉइन कर लें तो ये और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड बाद में आप लाइनिंग नेट वाले फैब्रिक पर स्टोन्स कवर कर लें। सो गाइज यहाँ हमने नेक फिनिश करके कुर्ती को टू फोल्ड कर लिया है। अब गाइज हमने नेक के नीचे से 10 इंचेस पर मार्क लगा लेना है, देन हमने 1.5 इंचेस का मार्क लगा लेना है। इस तरीके से हमने लीव की एक शेप दे देनी है। अब इसको ओपन कर लेंगे।
ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो जो हमने ये लीव की मार्किंग की है ये बहुत लाइटर है, इसलिए हम इसको डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद गाइज यहाँ पर हमने सूट से निकली हुई फॉर्म शीट का यूज़ करेंगे स्टोन वर्क करने के लिए, जिससे कि हमारी जो एक्स्ट्रा ग्लू निकलेगी वो हमारे बैकग्राउंड या फिर फर्श पर नहीं लग जाए। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर ये स्टोन्स का यूज़ करेंगे। ये मल्टी शाइन में बहुत ही ब्यूटीफुल से स्टोन्स हैं मीडियम साइज़ में, एंड गाइज इन स्टोन्स में होल्स भी दिए गए हैं। साथ में ही गाइज ये हम स्मॉल साइज़ के मल्टी शेड में स्टोन्स ले लेंगे। सो गाइज अब हमने इस वर्क को करने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। सो गाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले नेक लाइन बना लेनी है। इस तरीके से हम अच्छे से ग्लू निकाल लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने स्टोन्स ले लेने हैं बड़े वाले, जिसमें टू टू होल्स दिए गए हैं। सो इस तरीके से हम नेक राउंड पर इसको ग्लू कर लेंगे। एंड गाइज ग्लू करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे हम इसको हैंड स्टिच करते हुए अच्छे से पक्का भी कर देंगे, जिससे कि ये इजीली नहीं निकल जाए, क्योंकि इन स्टोन्स में काफ़ी वेट होता है, वेटेड होने की वजह से इनको निकलने का डर रहता है। सो गाइज इसीलिए अगर आप ये स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं इट विल बी मोर बेटर अगर आप उसको हैंड स्टिच भी कर दें। सो इस तरीके से हमने नीचे वाली साइड में भी स्टोन्स लगा लिए हैं। अब गाइज सारी ही लाइंस में जो हल्का हल्का गैप दिया हुआ है स्टोन्स के बाद, उस गैप्स में हमने छोटे छोटे डॉट्स रख लेने हैं। एंड गाइज ये वाले डॉट्स पर हमने स्मॉल साइज के स्टोन्स ग्लू कर लेने हैं। सो गाइज इस तरीके से जो हमारे थोड़ा थोड़ा फासला था स्टोन्स के बीच में, उसमें हमने एक एक डॉट्स रख लेनी है नीचे एंड नेक लाइन दोनों पर। उसके बाद गाइज हमने पूरी ही कुर्ती पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस से डॉट्स रखते हुए बारीक वाले स्टोन्स को ग्लू कर लेंगे इस तरीके से। सो गाइज पूरी कुर्ती पर हमने यही वर्क कर लेना है। एंड गाइज इस कुर्ती को इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने अभी ऊपर और थोड़ा सा ही स्टोन्स ग्लू किए हैं, वैसे ही हमने पूरी कुर्ती पर स्टोन्स ग्लू कर लेने हैं। साथ में ही गाइज इसकी स्लीव्स पर भी हम ये बड़े वाले स्टोन्स की लाइन कर लेंगे रिस्ट पर, रिस्ट राउंड में, एंड उसी के साथ पूरी स्लीव्स पर छोटे छोटे डॉट्स रखते हुए स्मॉल स्टोन्स को भी ग्लू कर लेंगे। एंड पूरी कुर्ती को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब गाइज हमने ये वाली जो नेट फैब्रिक से हमने कुर्ती डिज़ाइन किया इसको हमने अपनी मेन कुर्ती के साथ स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने इस पूरी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। जिस तरीके से रेगुलर कुर्ती स्टिच करते हैं वैसे हमने इसको स्टिच कर दिया है। एंड गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको नेक से बहुत अच्छे से जॉइन करते हुए कंप्लीट कर दिया है। हमने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में रेगुलर कुर्ती को स्टिच करना बताया है, आप हमारी कोई अदर वीडियो जाकर देख सकते हैं। साथ में ही गाइज हमने इसके स्लीव पर भी ये वर्क किया है। एंड गाइज आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी के साथ में गाइज हमने इसका दुपट्टा भी रेडी कर लिया है। दुपट्टे के ऑल अराउंड हमने इस तरीके का ये बॉर्डर रेडी किया है। सो गाइज सबसे पहले हमने स्टोन्स की दो लाइंस की थी अबाउट 5 इंचेस के गैप से, उनके बीच में हमने स्टोन्स की डॉट्स रख दी हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने दुपट्टे के ऑल अराउंड ये वर्क कर लिया है। एंड गाइज देखने में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। साथ में ही गाइज हमने ये सारे स्टोन्स को हैंड स्टिच करते हुए कम्प्लीट कर दिया है, जिससे कि ये इजीली नहीं निकले। एंड गाइज यू कैन सी द शाइनिंग, इसकी शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। नाइट में अगर आप इस ड्रेस को पहनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज रियल लाइफ में ये स्टोन्स जितने ज़्यादा शाइन करते हैं कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि आपको इसकी रियल शाइनिंग दिखा दूँ। सो गाइज इस तरीके से ये स्टोन्स शाइन करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो गाइज आप कुर्ती भी देख सकते हो, इसकी कुर्ती भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली शाइन कर रही थी। एंड गाइज आप देख सकते हो इसका नेक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बनकर रेडी हुआ था। इसी के साथ में गाइज हमने इसके स्लीव्स पर भी वर्क किया था, जो कि हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। बेसिकली हमने ओनली रिस्ट राउंड पर स्टोन्स की लाइनिंग की थी। अगर आप चाहो तो जिस तरीके की शेप हमने नेक पर बनाई है आप रिस्ट पर उस तरीके से लीव की शेप भी बना सकते हैं।
एंड गाइज इसी के साथ में हमने ये ट्राउज़र रेडी किया था। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगे, आप किसी भी चैनल पर जाकर ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। ट्राउज़र के बॉटम में भी हमने स्टोन्स की दो लाइंस की थी। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू ओनली गुड things and thanks for watching. Bye bye.